मिठाई वाला का सेल्स मैं कमाश बढ़ाने जा रही हैं। पहली बार जब गाँव में आता है पहली वाला तो खिलौने लेकर के आता है। अब कुछ महीने बाद फिर से गांव में एक आवाज़ आती है बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, और गांव में इस बार वो खिलौने ना ला करके मुरली लेकर के आता है। फिर वही माधव सर ने मृदुल सर में गा करके बहुत ही मीठी आवाज़ में गा करके वो फिर बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आया है। जैसे ही मुरली वाले की आवाज़ बच्चों के कान में जाती है बच्चे फिर वैसे ही दौड़ते हैं। कोई अपने घर के बाहर रहता है, कोई अपने पार्क में खेलता है। तो जब बच्चे बहुत देर दौड़ते हैं तो इस जल्दबाजी में किसी की बच्चे की टोपी गिर जाती है दौड़ने के चक्कर में, तो किसी की एक चप्पल या जूता ही छूट जाता है और एक दूसरे को धक्का दे करके वो मुरली वाले के पास जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। तो एक व्यक्ति पूछता है कि यह मुरली कितने में दे रहे हो, तो वो कहता है कि मैं इस मुरली की कीमत 2 पैसे में लगा रहा हूँ। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि इसकी उम्र लगभग कितनी होगी जो बेच रहा है मुरली, तो कहा कि इसकी उम्र तो लगभग 30-32 साल की होगी और गोरा दुबला पतला युवक है और बीकानेर रंग का साफा पहने हैं और वो अपने सिर पे बीकानेर रंग की पगड़ी लगाए हुए हैं। जैसे ही वो मुरली बेचता है तो उसकी दिन प्रतिदिन फिर अपने गांव में वो चर्चा फिर बनने लगती है कि उसकी मीठी आवाज़ में गा करके फिर वो जो मुरली बेच रहा है। फिर बाबा बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आया है। इसी तरीके से एक गाँव में विजय बाबू नाम के व्यक्ति रहते हैं, वो मुरली वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इस मुरली की कीमत क्या लगाई है। तो वो कहता है बाबू जी मैं इस मुरली की कीमत सिर्फ 2 ही पैसे लगाया हूँ। तो विजय बाबू कहते हैं कि तुम जो फेरी वाले होते हैं उनको झूठ बोलने की आदत होती है, इस मुरली की कीमत 2 पैसे नहीं इससे भी कम है। तो बोलता है बाबू जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस मुरली की वास्तविक कीमत ही 2 पैसे है, मैं बच्चों से 1 ही पैसा ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों के मनोरंजन के लिए इस गांव में आता हूँ, उनकी झलक देखने के लिए आता हूँ, ना कि उनसे पैसा ज़्यादा वसूलने के लिए आता हूँ। इस पैराग्राफ में आपको एक पढ़ करके एक प्रश्न का उत्तर देना है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता है और वह हर महीने गाँव में क्यों आता है।